लिबरेशन टाइगर साहब तमिल एल्लम प्रमुख वेलिपिल्लई प्रभाकरन के बारे में तमिल नेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वर्ल्ड तमिल फेडरेशन के अध्यक्ष पाजा नेदुमारन ने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे तमिल राष्ट्र नेता प्रभाकरन जिंदा हैं और वे ठीक हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी सही समय आने पर प्रभाकरन दुनिया के सामने आएंगे। नेदुमारन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस खबर से उन अटकलों पर विराम लगेगा जो लिट्टे प्रमुख के बारे में फैलाई गई है। इसके अलावा जल्द ही वे तमिल जाति की मुक्ति के लिए एक योजना की घोषणा करने वाले हैं। दुनिया के सभी तमिल लोगों को मिलकर उनका समर्थन करना चाहिए। वेलिपिल्लई प्रभाकरन को आधी दुनिया आतंकवादी मानती है तो वही करोड़ों लोग उसे भगवान भी मानते हैं। कई अखबारों और पत्रिकाओं ने उन्हें हत्यारा बताया तो वही न्यूज वीक जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन ने उनकी तुलना महान क्रांतिकारी चे गुवेरा से की थी। 21 मई 2009 को लिबरेशन टाइगर साहब तमिल इल्लम एलटीटी के संस्थापक वेलुपिल्लई प्रभाकरन को श्रीलंका की सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। इसी के साथ श्रीलंका का जाफना क्षेत्र लिट्टे के आतंक से आजाद हो गया। प्रभाकरन के मारे जाने के बाद लिट्टे ने हार मानते हुए अपनी बंदूकें शांत करने की घोषणा कर दी, लेकिन कई पत्रकार ये भी दावा करते हैं कि प्रभाकरन को जिंदा पकड़कर सेना ने उसे एक गुप्त जगह ले गई थी जहां उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर के साथ गोली मारकर फेंक दिया गया। हालांकि श्रीलंकन सरकार ऐसे किसी भी दावे को सिरे से नकारती आई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।